हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का है नया दिन और फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 का पहला दिन। ओ माय गुडनेस, सो आज हुआ हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरी तरफ से मेरे देखने वाले सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारी कमाया फैमिली की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ एंड Abundant of blessings। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाए। और प्लीज अगर आप वॉच करते हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि बस कर दो ताकि मैं मोनेटाइज हो जाऊं और हमारी कमाया फैमिली बढ़े और इतनी बढ़े कि बहुत बढ़ जाए। तो आज की अपडेट ये है कि आज हम बना रहे हैं सोया चंक्स क्या है ये सोया वेज कबाब बना रहे हैं, जिसकी बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेसिपी आने वाली है सैम्स किचन पे। तो जिन्होंने सैम्स किचन अभी तक नहीं विजिट किया कर लो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी मॉम का चैनल है। और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए टाई टाई। तो गाइज, न्यू ईयर की अपडेट ये है कि आज 1st of January 2024 है और मामा ने मुझे गिफ्ट किया है कह सकते गिफ्ट किया है ये बहुत ही प्यारा मिरर। आप देख सकते हैं, पहले मैंने ना यहाँ पर लगाया था अपने रूम वाला मिरर, जो कि मेरा वैनिटी मिरर है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जो अगर आपको नहीं पता तो ये वाला, बट वो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। और इसमें क्या है, मैंने ये वैनिटी लाइट्स लगाई हुई है, तो ये मेरे ख्याल से मेकअप शेकअप के लिए ही रखूँ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं फिर गई और मैंने ये मिरर लिया, जो कि मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। वैसे भी मैंने होम डिकोर की वीडियोस में देखा है कि जब आप मिरर लगाते हो ना अपने हॉल में, तो आपका हॉल जो है वो डबल बड़ा दिखता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो अभी के लिए तो मैंने इसको ऐसे सेटअप किया है, बाद में देखते हैं अगर कोई चेंजेस होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ जी आजकल विसल का हीटर फेवरेट हो चुका है, इसके कपड़े मैंने चेंज करवाए हैं, धुल के आए इसके कपड़े। और ये बैठी है हीटर के सामने, हीटर को थोड़ा और इसकी तरफ कर देते हैं ताकि ये आराम से रेस्ट कर सके। रही बात हमारे एयर प्यूरीफायर की, तो बहुत बढ़िया चल रहा है आप देख सकते हैं। और एक्चुअली इट वर्क्स यार, इट रियली वर्क्स। मतलब मुझे काफी अच्छा फील हुआ इसके बाद। जैसे मैंने कल रात को अपने बेड के साइड में से रखा था, तो बहुत ज्यादा मतलब अगर आपके जैसे बाल आप सुबह उठते हो ड्राई हो जाते हैं, स्किन हो जाती है, तो वैसा अब नहीं होगा अगर आप इसे खरीद लेते हो। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं, ये मीशो पे अवेलेबल है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। और मैंने सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया मामा कबाबों के चक्कर में। मैंने कहा कि मामा बनाएगी कबाब और मैं खाऊंगा कबाब। उसके अलावा जी आज मामा ने की है न्यू ईयर पे न्यू शॉपिंग। ये बहुत ही प्यारी सी खरीदी है, ये आलू प्याज रखने का, ये चम्मच रखने का, ये लेता है बस मामा, ये दोनों चीजें ली है। हाँ नहीं नहीं एक वो भी लिया जो भी मैंने कहा रख दिया। अच्छा एक और चीज ली है लेकिन वो भी मिल नहीं। अच्छा ये ब्लू सा ना, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। सो गाइस, यहाँ हमारे मजेदार वेज सोया कबाब बनके हो चुके रेडी। आप देख सकते हैं धुएं कैसे निकल रहे हैं इसमें से, है ना, टेस्टी लग रहा है। तो यही होने वाला आज हमारा लंच। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले और अभी हम इस टाइम पे लंच कर रहे हैं। पर चलो कोई ना, तो अब हम करते हैं लंच और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 4:15 होने वाले हैं और हमने जो कबाब थे वो खा लिए हैं। बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया खाने के बाद। और सच बताऊं बहुत अच्छा, मतलब लाइट और अच्छा फील हो रहा है ना। और वैसे भी सोया आपको पता है कि हाई प्रोटीन होता है, तो ऐसा कोई रिग्रेट वाली फीलिंग भी नहीं होती कि हमने क्या खा लिया। बहुत कम तेल में थे। तो जिन लोगों ने नहीं देखी अभी तक रेसिपी, सैम्स किचन में जाके देख लें। तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं जी कैसे कहते हैं मूंगफलियाँ, सर्दियों की स्पेशल मूंगफली। और ये चल रहा है जी यहाँ पे सीन, आप चेक करो, बीच में बैठी है हमारे, और ये वाला इस तरह बैठा हुआ है, बहुत ही क्यूट है सीरियसली। तो गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल, बाय बाय।